क्या आपको पता है मृणाल ठाकुर किसको कर रही हैं डेट? मृणाल टीवी से फिल्मों में कैसे आई? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मृणाल ठाकुर का जन्म 1 अगस्त 1992 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक मराठी परिवार में हुआ था। मृणाल ठाकुर अपने परिवार के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती है। उनके परिवार में माता पिता और भाई बहन भी हैं। मृणाल के पिता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनकी बड़ी बहन एक मेकअप आर्टिस्ट है। मृणाल की शुरुआती शिक्षा नागपुर से पूरी की है और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने किशनचंद चेलाराम कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया और मास मीडिया में बैचलर की पढ़ाई की। मृणाल कॉलेज के समय से ही मॉडलिंग और एक्टिंग के अधिक सक्रिय थी, इसलिए उन्होंने कॉलेज के दौरान ही पहला ब्रेक मिला था। 2012 में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्हें मुझसे कुछ कहती ये खामोशी टीवी सीरियल में लीड रोल मिला। गौरी भोसले का ये करने का ऑफर मिला और यहीं से उनको एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। इस सीरियल में उन्हें अपोजिट लीड रोल में थे मोहित सहगल और यह सीरियल स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद उन्होंने हर युग में आएगा एक अर्जुन सीरियल में पत्रकार शिखा आनंद के किरदार में दिखाई दी। 2014 में उन्हें जी टीवी का सीरियल कुमकुम भाग्य, जिसके कारण उनको असली पहचान मिली। इस सीरियल में स्मृति झा, अर्जित तनेजा, साबिर आलूवालिया और सुप्रिया सुप्री भी मुख्य किरदार में थे। 2016 में उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। मृणाल ठाकुर के फिल्म करियर की शुरुआत 2012 में उनको पहली बार एक इंटरनेशनल फिल्म लव सोनिया में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी, लेकिन यह फ्लॉप फिल्म साबित हुई। फिर उन्होंने 2019 में सुपर 30 फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में वो आनंद कुमार यानी ऋतिक रोशन की प्रेमिका का किरदार निभाती हुई दिखाई दी। यह फिल्म सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार के संघर्ष के ऊपर आधारित है, जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको भारत के बेस्ट इंजीनियर कॉलेज IIT की प्रवेश परीक्षा पास करवाते हैं। इसके बाद 2019 में ही उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ निखिल अडवाणी की फिल्म बाटला हाउस में अभिनय किया और सुपर 30 की तरह यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। साल 2019 में मृणाल ठाकुर के लिए एक सफल वर्ष के तौर पर साबित हुआ। 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बाहुबली बिफोर द बर्निंग में काम किया और 2020 में वो गोस्ट वेब सीरीज में दिखाई दी। 2021 में मृणाल राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा निर्देशित फिल्म तूफान के अभिनय किया और इसी वर्ष उन्हें दूसरी फिल्म जर्सी भी मिली, जिसमें वो शाहिद कपूर के साथ अभिनय करती दिखाई दी। मृणाल ठाकुर अभी अविवाहित हैं और उनको रिलेशनशिप की बात करें तो फिलहाल शरद चंद्र त्रिपाठी को डेट कर रही हैं, जो एक टेलीविजन राइटर हैं। मृणाल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और उन्हें इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं और वो बिल्लियाँ बहुत पसंद करती हैं और उनके पास एक पालतू बिल्ली भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगला वीडियो आप किसका देखना पसंद करेंगे ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।